गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट है, एनर्जेटिक, क्या बात है आपकी, एनर्जी लेवल्स तो आपके हमें मिल रहे होते हैं, लोग समझते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन आज कुछ एनर्जी लेवल्स ऐसे राइजिंग पाकिस्तान में ऊपर को बूस्टर लगाने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए कि आज दो ऐसे मेहमान हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि जिनसे मतलब उन दोनों की उम्र को मिला दिया जाए तो भी मेरी तकरीबन शायद आधी उम्र बनती हो, यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान के यंग प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन इनको हम राइजिंग पाकिस्तान में एज मेन गेस्ट आज फीचर करेंगे। ताहा उस्मान जो कि एक लीडिंग कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, पाकिस्तान के बहुत सा पैसा कमा रहे हैं इस छोटी सी 14-15 साल की उम्र में, लेकिन ये कहानी क्या है, वो करते क्या हैं, वो क्या कहानी है, वो क्या स्टोरी है, ताहा उस्मान है कौन, ये आज आप जानेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। लेकिन इनके साथ एक प्यारी सी छोटी सी मासूम सी मेरी क्लास फेलो रामीन फातिमा भी आ रही हैं, ये भी इतनी मैच्योर हैं, इतना अच्छा सोचती हैं, अपनी लाइफ को अभी से प्लान करती हैं, भाई हमें तो अभी तक नहीं समझ आई कि कल क्या करना है, और रामीन के का फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है कि उसने क्या करना है। ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे मेन गेस्ट होंगे, तो ताहा और रामीन फातिमा से मुलाकात मत भूलिएगा राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा हारून भाई आ रहे हैं, हारून शहाब, आप सभी को मालूम है पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान टेलीविजन की पूरी कहानी मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ सेंटर्स को फीचर कर रहे हैं, बात क्या ड्रामे की हो, ट्रांसमिशंस की हो, म्यूजिक की हो, स्पोर्ट्स, कोई भी जॉनर हो, उस पर बाकायदा रिसर्च करते हैं और नादिर तस्वीर से तड़का लगाते हैं अपने सेगमेंट को। आज हारून शहाब बात करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर के शोज की। जब लाहौर सेंटर और शोज की आप बात करें तो फौरी तौर पे जो नाम जहन में आता है वो है नीलाम घर। ऑफ कोर्स नीलाम घर की भी बड़ी नादिर तस्वीर हैं तारिक अजीज साहब की, जो आज कंट्रोल रूम ने तैयार कर रखी हैं। तो भाई हारून भाई की मज़ेदार बातें और यादें जो हैं उनसे हम सजाएंगे आज के राइजिंग पाकिस्तान को। और इसके अलावा राबेल हमारे साथ होंगी, तीन मज़ेदार गर्मा गर्म अवन से निकलती हुई गुड न्यूज़ और कुछ आपके पैगाम, कुछ आपकी तस्वीर भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। वक्त है प्यारे बच्चों के लिए तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस का। आज की एडवाइस ये है जी, आपने अपनी अलमारियां खोलनी हैं और वो पुराने खिलौने जो अब आप इस्तेमाल नहीं करते, वो पुरानी डिंकीज हो, कोई भी टॉय हो, जो आया इस्तेमाल किया, उससे प्यार हुआ, उससे बहुत हमने खेला, लेकिन फिर हम बड़े हो गए, हमारा उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, दिलचस्पी ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी वो किसी बक्से में, किसी अलमारी के कोने में, स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, आपके तो किसी काम का नहीं है। लेकिन इर्द गिर्द देखिए, माशरे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, बहुत से ऐसे बच्चों के माँ बाप हैं जो इस तरह के टॉयज़ और खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते। ढूंढिए, आपकी असाइनमेंट है ऐसे घरानों को, ऐसे बच्चों को जिनके पास टॉयज़ या खिलौने नहीं हैं। आपके पुराने खिलौने कोई तो खेल सकता है, वो खिलौना भी उदास बैठा है कि मुझसे खेलने वाला कोई नहीं, आप बड़े हो गए हैं, आपकी दिलचस्पियाँ अब और तरह की हैं, तो ज़रा अलमारी भी साफ़ हो जाएगी और वो खिलौना किसी नए मालिक के पास, किसी नए दोस्त के पास चला जाएगा। और आप सोचिए उस बच्चे की ज़िंदगी में, उस बच्चे की नफ्सियात पे, उसकी साइकी पे आपका कितना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा कि वो चीज़ जो किसी के इस्तेमाल में ना थी वो अब किसी की ज़िंदगी बना रही है। इस बारे में आपने सोचना भी ज़रूर है और इस मिलियन डॉलर एडवाइस पे अमल करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताना ज़रूर है कि ये तजुर्बा खुद करके आपको कैसा लगा।